ये है वुड फायर पिज्जा ओवन, ठीक है। अब इसके अंदर हीटिंग पैनल वहाँ लगा है, यहाँ से ओवन हो जाएगा। तो ये चिमनी साथ में मिलेगी, ये स्टैंड है, ये स्टैंड अलग होता है, बीच में होता है। ये सारी कॉस्टिंग की बात आप फ़ोन पे कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे सिलेंडर लगा रखा है, यहाँ बहुत सारे हैं, अलग अलग प्राइजेस के हैं। ये 80,000 वाला स्टार्टिंग रेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर ये जो हिस्सा है, पिछले 1 घंटे से हमने छोड़ा हुआ है, और अभी भी इसकी जो रीडिंग आप लोगे तो 200-250 के आसपास रहेगी, ठीक है। और 300 पे पिज़्ज़ा बन जाता है, तो ये अभी भी गर्म है। तो इसका यही प्राइजिंग का यही फंडा है, ये गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो यहाँ 1.5 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाता है। बाकी आसपास से आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी होता है, तो यहाँ से भी टेम्परेचर इसके ऊपर आ जाता है। बाकी ये गन भी होती है, ठीक है। अगर हम इसको हटा देते हैं, तो अगर हम इससे टेम्परेचर लेते हैं, तो ये कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है। तो 320 टेम्परेचर था, तो अभी भी आप देख सकते हो 170 से पार टेम्परेचर जा चुका है। तो इतना जल्दी डाउन भी नहीं जाता, आप इसको ढक के रखोगे ना इसके साथ, तो आपका डाउन टेम्परेचर नहीं जाएगा, ठीक है। 40 मिनट, 30-40 मिनट में ये प्रॉपर गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कंट्रोल करके टेम्परेचर को आराम से सारा दिन चला सकते हो। तो ये कलर अवेलेबल है, ये कलर अवेलेबल होगा, ये भी हो सकता है, 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 सब सेम है। ये देखो, ये ओवन सब सेम है, स्टार्टिंग रेंज के लिए बेस्ट है। 1.5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट में पिज़्ज़ा आपका बनके तैयार हो जाएगा। बाकी और कोई मुझे लगता नहीं इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, आपको बना के देखना होगा, डेमो भी ले सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको आना होगा। बाकी वीडियो बना रखी है डेमो के लिए। ये रहा आपके सामने पिज़्ज़ा ओवन, ये रहे बाकी पिज़्ज़ा ओवन, ये रहे, ये रहे, ये रहे।